हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ामपुर। साथियों, मैं कुलजीत आज फिर आपका स्वागत करता हूं आपके एग्ज़ामपुर में। यह है आपकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की क्लास। तो चलिए साथियों, शुरुआत करें आपके आज के सेशन की। एक बार सब लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दें। चलिए, बहुत बढ़िया। एक बार सब लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दें। चलिए, चलो। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताइए। नेम द फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। फादर ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जल्दी बताओ जरा। चलो, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक बताइए, जल्दी बताओ जरा। चलो देखो ऑप्शन में क्या है। नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव, यशवंत सिन्हा या मनमोहन सिंह। देखो, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, देखो 1950 के बाद से जो रिफॉर्म्स हैं, भारत में सुधार हैं, वो धीरे धीरे होते रहे, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सुधार माने गए 1991 के लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के जो सुधार हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण सुधार माने गए पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा ये किए गए थे, ठीक है। ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे, ये भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। चलो, आयरन बॉइल्स एट अबाउट डिग्री ऑफ, लोहा लगभग कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? लोहा कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जल्दी बताओ। लोहा कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, जल्दी बताइए। चलिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहे हैं, ना कि मेल्टिंग पॉइंट। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जल्दी बताओ जरा। क्या बात है साथियों, सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करेंगे। चलिए देखो, इसका आंसर क्या आता है, 2861, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आयरन, ठीक है, 2861 डिग्री सेल्सियस पर। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये तो क्या बॉइलिंग पॉइंट, 1538 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है। चलो, चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद, चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, जल्दी बताओ जरा। चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, जल्दी बताओ जरा। चलो, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, जल्दी बताइए। चलिए, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, चलो बताओ जरा। देखो, सतत विकास, सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता, वन रोपण, पेड़ों की कटाई को रोकना, पेड़ों की कटाई को रोकना, जल्दी बताओ जरा। देखो इसका, जल्दी बताओ जरा। चलो, बिल्कुल सही, सब जानते हैं। पेड़ों की कटाई को रोकना चिपको आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण अंग था, ठीक है। 1973 में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ पर शुरू हुआ था? आज के उत्तराखंड में। कहाँ शुरू हुआ था? आज के उत्तराखंड में शुरू हुआ था। चलो, अगला प्रश्न क्या है। एडल्ट्स विद एन एनुअल इनकम बिटवीन, मतलब जल्दी बताओ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी आयु के बीच वार्षिक आय वाले वयस्क प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास ऋण का लाभ उठा सकते हैं? 6 से 15 लाख, 6 से 18 लाख, 6 से 25 लाख या 6 से 21 लाख, जल्दी बताओ जरा। क्या है, जल्दी बताइए। चलिए, देखो इसका क्या आंसर बनता है, 6 से 18 लाख। ठीक है, क्या इसका आंसर बनता है 6 से 18 लाख। कैप्रा एगाग्रस, कैप्रा एगाग्रस हिरकस जिसे आमतौर पर किसके रूप में जाना जाता है, जल्दी बताओ। कैप्रा एगाग्रस हिरकस जिसे आमतौर पर किसे रूप से जाना जाता है, कुत्ता, गायें, बकरी या हैन। हैन मतलब मुर्गी, जल्दी बताओ ज़रा किस रूप में जाना जाता है। मतलब ये एक साइंटिफिक नेम है उसका, क्या है ये साइंटिफिक नेम है, जल्दी बताइए। चलिए क्या है ये साइंटिफिक नेम है। इसका आंसर क्या आता है, बकरी। क्या इसका आंसर आता है, बकरी इसका आंसर आता है। चलो अगला प्रश्न क्या है, नवकालेवर एक अनुष्ठान है। नवकालेवर क्या है, एक अनुष्ठान है जो निम्नलिखित में से कौन से में एक मंदिर होता है, तिरुपति, शिरडी, जगन्नाथपुरी या सबरीमाला, जल्दी बताओ ज़रा क्या होता है, जल्दी बताओ ज़रा। इसका क्या आंसर आता है, जगन्नाथपुरी इसका आंसर आता है। ठीक है, ये जगन्नाथपुरी है कहाँ पर, ओडिशा में है। ठीक है, कहाँ पर है ये जगन्नाथपुरी, ओडिशा राज्य या स्टेट कह लो। ठीक है, ओडिशा, ओडिशा राज्य या ओडिशा स्टेट कह लो, जगन्नाथपुरी है। ठीक है, जो पूर्वी गंगा वंश आया था उसके एक राजा थे 14 गंगादेव, उनके द्वारा इसे बनाया गया था, उनके द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, कलिंग वास्तुकला के अंतर्गत। ठीक है, 1161 में। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरु इज नोन एज द कोबलर संत, जगाओ। निम्नलिखित में से किसे मोची संत या कोबलर संत के नाम से जाना जाता है, रूप से जाना जाता है, जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से किसको मोची संत या कोबलर संत के रूप से जाना जाता है, अया, वैकुंदर, जीवा, रविदास या नाराहारी, जल्दी बताओ ज़रा, जल्दी बताइए साथियों। सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से संत को, कौन से गुरु को कोबलर संत कहा जाता है। जल्दी बताओ जरा किसे कोबलर संत कहा जाता है। साथियों सब लोग मिलकर क्लास को शेयर करिए। देखिए इसका आंसर क्या आता है, रविदास इसका आंसर आता है। ठीक है, क्या इसका आंसर आता है, रविदास इसका आंसर आता है। ठीक है, चलिए ये संत थे भक्ति आंदोलन के अंदर। ठीक है, ये हरि या विष्णु भगवान को मानने वाले संत थे, हरि या कह लो विष्णु भगवान को मानने वाले संत थे। ठीक है, चलो बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश जैसे मतलब सेंट्रल इंडिया में ख़ास तौर पर इनका काफ़ी मतलब प्रभाव रहा था, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये इनका जन्म 1450 में वाराणसी में हुआ था, 1450 में वाराणसी में जन्म हुआ और 1520 में वाराणसी में ही इन्होंने जीवन त्याग दिया था। ठीक है, चलिए चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, जल्दी बताओ। विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश, जल्दी बताओ। लार्जेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, वो देश पूछ रहे हैं, जल्दी बताओ। 7वां सबसे बड़ा देश, देखो इसका आंसर क्या आता है, भारत इंडिया। ठीक है, इसका आंसर क्या आता है, भारत इंडिया। 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या बनता है, आंसर बनता है। ठीक है, 3.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर क्या बनता है, इसका आंसर बनता है। दुनिया में इसका रैंक 7वां आता है। फर्स्ट रैंक पता कौन से देश का है, रशिया का। सब जानते हैं कि रशिया रैंकिंग में सबसे पहला देश है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर, वो क्या है। हु स्टार्टेड द टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन 1927। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया, मंदिर प्रवेश आंदोलन, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। टेम्पल एंट्री मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताओ। समीरान मुखर्जी आज मिल जाएगी, मैंने दे रखी है, उन्होंने डाली नहीं होगी, मेरी गलती नहीं है, मैं चेक करूंगा खुद और मैं सामने बैठकर करवाऊंगा। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या आता है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्या इसका आंसर आता है, भीमराव अंबेडकर इसका आंसर आता है। ठीक है, इसके चलते वो जो कास्ट सिस्टम के अंदर जो एक बड़ा भेदभाव था उसका वो खुलासा करना चाहते हैं सबके सामने कि किस तरीके से ये गलत चीज़ें हमारे खिलाफ होती हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या है, As per the Guinness World Record, which of the following was the world's richest temple in 2011? जल्दी बताओ। As per the Guinness World Record, which of the following was the world's richest temple in 2011? जल्दी बताओ। 2011 में जगन्नाथ टेम्पल, तिरुमाला तिरुपति, श्री पद्मभासा स्वामी टेम्पल या सिद्धिविनायक टेम्पल, जल्दी बताओ, या फिर सिद्धिविनायक टेम्पल, जल्दी बताइए। चलिए देखो ये कहां पर है, ये सी इसका आंसर आता है। ये टेम्पल कहां पर है, केरला में है। ठीक है, कहां पर है, केरल में है। ये टेम्पल कहाँ पर है, ये टेम्पल केरल में, केरला में है ये टेम्पल, ये बात याद रखना। द सिटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, इसे द सिटी ऑफ लॉर्ड विष्णु भी कहा जाता है, महाशिव का शहर भी कहा जाता है। देखो कुछ इस प्रकार से जाता ना, अगर दक्षिण भारत तो इस प्रकार से करला है, तो बिल्कुल दक्षिणी वाले भाग में, कि बिल्कुल दक्षिणी वाले भाग में ये आता है, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ अंदर मंदिर में कौन है, महाविष्णु है, महाविष्णु इस मंदिर के अंदर है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलो, नेम द लॉन्ग हेयर मैमल फाउंड थ्रू आउट द हिमालयन रीजन। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों के नाम बताइए। हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले लंबे बालों वाले स्तनधारियों के नाम बताइए। हैफर, बिसौन, ऑक्स या याक? जल्दी बताओ ज़रा, चलो क्या उनका नाम है, जल्दी बताइए। चलिए, लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम, लंबे बालों वाले स्तनधारियों का नाम बताओ। चलो, इसका आंसर क्या आता है? या किसका आंसर आता है? ठीक है, क्या इसका आंसर आता है? या किसका आंसर आता है। चलो चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से किसको भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक के रूप में भी जाना जाता है? जॉन जेम्स, कॉर्नार्ड, सलीम अली या ए ओ ह्यूम? जल्दी बताओ, ए ओ ह्यूम। जल्दी बताओ क्या इसका आंसर है। फादर ऑफ द इंडियन ओरियोन्थोलॉजी, जल्दी बताओ। भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक, जल्दी बताइए। देखो इसका आंसर क्या आता है, ए ओ ह्यूम। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ए ओ ह्यूम। तुम्हें पता है इन्हीं का रोल, मतलब कि एज अ फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 में संस्थापक के रूप में भी इनका नाम रहा, संस्थापक के रूप में भी इनका नाम रहा। चलो अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में दिनों का रिकॉर्ड बताया? 150, 195, 175 या 200? जल्दी बताओ। भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में निम्नलिखित में से कितने दिनों का रिकॉर्ड बताया? जल्दी बताओ जरा। चलो इसका क्या आंसर बनता है? बी 195, बी 195। चलो अगला प्रश्न क्या है। Inaugural session of the Supreme Court of India took place on? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ? भारत के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ? जनवरी 1950, जनवरी, जल्दी बताओ। चलो ये सबके जनवरी 1950 ही लिखा, तारीख चाहिए। चलो देखो, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था ना, वो 26 जनवरी को वजूद में आया था। कब? 26 जनवरी को। उसके बाद 28 जनवरी को क्या हुआ था? 28 जनवरी को क्या हुआ था? इसका सबसे पहला सेशन हुआ था। 28 जनवरी इसका आंसर बनता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। वो क्या है? साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, बताओ ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? ध्वनि किसके माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती? आग, मिट्टी, पानी या वैक्यूम? आग, मिट्टी, पानी या वैक्यूम? जल्दी बताओ। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू साउंड, जल्दी बताओ। ध्वनि किससे ट्रैवल नहीं कर सकती? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या आता है? वैक्यूम। इसका आंसर क्या आता है? वैक्यूम इसका आंसर आता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैच देयर प्रे? जल्दी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग करता है? हॉक्स, बैट्स, कैट्स या डॉग्स? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर यूज अल्ट्रासोनिक साउंड टू कैच देयर प्रे? मतलब अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि कौन करता है? जल्दी बताओ, कौन करता है? कभी ऐसा सोचा है कि कौन सा ऐसा, मतलब जानवर है? सोचना चाहिए। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ तुम्हें पता है एक अल्ट्रासोनिक पानी का जानवर है, मछली कह लो जिसे आप, डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारे दिल की धड़कन भी सुन सकती है, और अगर कोई गर्भवती माँ उसके पास जाके बैठ जाए ना, तो जो बच्चा उस माँ के गर्भ में है उसकी भी दिल की धड़कन सुन सकती है। कारण क्या है, वो अल्ट्रासोनिक साउंड की एक्टिविटी से करती है सब कुछ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है, चमगादड़। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक साउंड के कारण ये चीज़ कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। जल्दी बताइए जरा, चलो। जल्दी बताओ, चलो। देखो इसका आंसर क्या आता है, प्रधानमंत्री। चलो अगला प्रश्न क्या है, किस क्रिकेटर ने 16 साल की उम्र में कराची में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। जल्दी बताओ, विच क्रिकेटर मेड हिज टेस्ट डेब्यूट इन कराची एट द एज ऑफ 16। जल्दी बताओ, किस क्रिकेटर ने 16 साल की उम्र में कराची में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। हार्दिक पांड्या, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर या फिर शांतनु कुमार श्रीसंत। जल्दी बताओ, चलो क्या इसका आंसर बनता है। इसका क्या आंसर बनता है, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। चलो अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जनवरी 2050 से नवंबर 1951 तक, जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। जल्दी बताओ, बिजन कुमार मुखर्जिया, मेहरचंद, हरिलाल कन्या या भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। जल्दी बताओ कौन थे, जल्दी बताइए या कौन थे। चलो क्या इसका आंसर बनता है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है, गुजरात, चंडीगढ़, पश्चिमी बंगाल या महाराष्ट्र। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस राज्य में बनाया जा रहा है, जल्दी बताओ। देखो इसका आंसर क्या आता है, गुजरात इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन, जल्दी बताओ। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन, जल्दी बताओ। भारत की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थित नहीं है। भारत की करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहां पर स्थित नहीं है, कोची, मैसूर। अरे भाई साहब, जल्दी बताओ। चलो इसका आंसर क्या आता है, कोची। ठीक है भाई साहब, गड़बड़ सी हो गई। चलो कुछ नहीं होता। चलो, द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का पीएच 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, जल्दी बताओ। 8, 7, 9, 6। देखो पीएच क्या होता है, कोई भी चीज़ कितनी अम्लीय है या कितनी क्षारीय है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जल्दी बताओ, चलो इसका आंसर क्या बनता है, 7 इसका आंसर बनता है। ठीक है, क्या इसका आंसर बनता है, 7। चलो अगला प्रश्न, मेगा पटेरा को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है, बताओ। मेगा पटेरा को सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है, क्या बोलते क्या है उसे, जल्दी बताओ। ये तो हो गया साइंटिफिक नेम, जल्दी बताइए। देखो इसका आंसर क्या बनता है, हैम्पबैक व्हेल, हैम्पबैक व्हेल। चलो अगला प्रश्न, हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित में से शब्द किसने कहे। एक डंडा सभी राष्ट्रपतियों के लिए, एक डंडा सभी राष्ट्रपतियों के लिए अब एक आवश्यकता है, इसके लिए लाखों लोग मारे गए हैं। एक डंडा सभी राष्ट्रों के लिए एक आवश्यकता है, इसके लिए सभी लोग मारे गए हैं। सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, भीकाजी कैमा या महात्मा गांधी? जल्दी बताओ ज़रा, या महात्मा गांधी? इसका आंसर क्या आता है? महात्मा गांधी इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉपुलर घराना स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का लोकप्रिय घराना है? निम्नलिखित में से कौन बिल्कुल सही, इसका आंसर क्या बनता है? रजवाड़ी घराना। ठीक है, देखो म्यूजिक में दो ही पॉपुलर फॉर्म्स हैं, हिंदुस्तानी कर्नाटिक म्यूजिक और आपका दूसरा ये वाला। तो इसमें अलग अलग फॉर्म्स इसके अंदर भी डेवलप हुई हैं। ठीक है, चलिए कैनिस लूपस इज कॉमनली नोन एज, कैनिस लूपस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? कैनिस लूपस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, ये बताओ। चलो कैनिस लूपस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, जल्दी बताइए। चलिए देखो इसका आंसर क्या आता है? ग्रे वॉल्फ। ठीक है, क्या इसका आंसर आता है? ग्रे वॉल्फ इसका आंसर है। चलिए अगला प्रश्न क्या है। द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी वॉज इन व्हेन ही अटैक्ड मुल्तान। मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कौन से वर्ष में हुआ था जब उसने मुल्तान पर आक्रमण किया? 1287 में, 1475 में, 1089 में या 1175 में? मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण कब हुआ था, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, पहला आक्रमण उसका कब हुआ था मोहम्मद गौरी का? देखो मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 को हुआ। कब हुआ? 1175 को हुआ। ठीक है, उसने मुल्तान के ऊपर अटैक किया, इस्माइलियन किया। ठीक है, वहां पर एक इस्माइलियन नाम का राजा था जिसको उसने हराया। कहाँ पर था ये? मुल्तान में। कहाँ पर था ये? मुल्तान में। और इसके बाद इसने क्या किया? मुल्तान को कैप्चर भी कर लिया। उसके बाद क्या किया इसने? मुल्तान को कैप्चर भी कर लिया। अगला प्रश्न, मिनिमम एज क्राइटेरिया फॉर अपॉइंटमेंट एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड है क्या? भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु मानदंड है क्या? 21, 30, 35 या 25? जल्दी बताओ ज़रा, क्या न्यूनतम आयु मानदंड है? देखो अगर आपको देश का, देखो आप अगर चाहे आप देश के राष्ट्रपति बनना चाहते हो, उपराष्ट्रपति बनना चाहते हो, अगर आप MP बनना चाहते हो तो 25 की उम्र भी ठीक है, लेकिन वैसे आपको 35 की उम्र, ठीक है, कितनी उम्र? 35 की उम्र वाला व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। चुनाव किस तरीके से होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव किस तरह से होते हैं? अप्रत्यक्ष। किस तरह से होते हैं? अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जैसे कि हमारे द्वारा चुने गए सांसद उसमें चुनाव देते हैं। हालांकि चुनाव करवाने का काम निर्वाचन आयोग ही करता है। क्या करता है? निर्वाचन आयोग ही इसका चुनाव करवाने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या आता है। द डांस फॉर्म डांडिया सिनोनिम विद, मतलब कौन से, ये जो डांस है डांडिया, ये किस, कौन से दूसरे डांस से मेल खाता है, जल्दी बताओ। डांडिया डांस कौन से दूसरे डांस से मेल खाता है या किस दूसरी चीज़ से मेल खाता है, जल्दी बताओ। डांडिया डांस कौन से दूसरे डांस से मेल खाता है, ये बताइए। चलिए, कौन से दूसरे डांस से मेल खाता है? इसका आंसर क्या है? नवरात्रे। क्या इसका आंसर है? नवरात्रे। आफ्टर 1994 हाउ मैनी सेशंस ऑफ राज्यसभा आर यूजुअली हेल्ड इन ए ईयर? 1994 के बाद आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र आयोजित किए गए? 4, 3, 2 या 6? 4, 3, 2 या 6? जल्दी बताओ ज़रा, कितने सत्र आयोजित किए गए? 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, बजट, मानसून, विंटर, बजट, मानसून, विंटर, ये तीनों सत्र ही आयोजित किए जाते हैं। हु वॉज द इकोनॉमिस्ट हु रोट द बुक स्मॉल इन ब्यूटीफुल? स्मॉल इन ब्यूटीफुल पुस्तक लिखने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? स्मॉल इन ब्यूटीफुल पुस्तक लिखने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? जल्दी बताओ ज़रा। स्मॉल इन ब्यूटीफुल पुस्तक लिखने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? जल्दी बताइए। चलिए, देखो इसका आंसर क्या आता है? डी इसका आंसर आता है। क्या इसका आंसर आता है? डी इसका आंसर आता है, ठीक है। चलो, एक पुस्तक लिखी गई है, द हु रोड द बुक द ओडासिटी ऑफ होप? ओडासिटी ऑफ होप एक पुस्तक है। ओडासिटी ऑफ होप पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी बताओ। चलो, देखो ये किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा के द्वारा, और 2006 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 2006 में पब्लिश हुई थी। चलो, अगला प्रश्न, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम? भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? जल्दी बताओ। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के रूप में किसे जाना जाता है? विक्रम साराभाई, सीवी रमन, होमी भाभा या एपीजे अब्दुल कलाम? या फिर एपीजे अब्दुल कलाम? जल्दी बताओ ज़रा। साथियों, एसएससी जीडी का लखनऊ का ऑफलाइन बैच लॉन्च किया गया है। एसएससी जीडी का लखनऊ का ऑफलाइन बैच लॉन्च किया गया है 50% लेस के साथ। इसके लिए आप चाहें तो इंक्वायरी भी कर सकते हैं, ठीक है। नीचे आपको ये जो पट्टी, यहाँ पर जो पट्टी लगी है नीचे, यहाँ पर आपको इसका एड्रेस भी मिल जाएगा, ठीक है। 50% लेस करके आपको ये मतलब 7,999 से कम होके सीधा 50% लेस होके आपको ये बैच मिलेगा। मतलब ऑफलाइन आप सीधा रूबरू होकर टीचर से ये काम, मतलब आप अपनी क्वेरीज वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक, जल्दी बताओ। देखो इसका आंसर क्या आता है? सी इसका आंसर आता है, और सब लोग सी आंसर दे रहे हैं। बाबा जी, ठीक है, बाबा। इसलिए बाबा एटॉमिक सेंटर भी खोला गया है, बाबा एटॉमिक सेंटर भी खोला गया है, ठीक है। चलिए, ठीक है, इन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की भी स्थापना की थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये रिसर्च इन्हीं के ऊपर थी। इन्होंने भारत का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करने का काम किया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। पूरा का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करने का काम किया था, ठीक है। ये आदम्स प्राइज़ इनको 1942 में मिला, पद्म भूषण इनको 1954 में मिला, या नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स 1951 में मिला, ठीक है। चलो, शिवाजी सन फ्रॉम साईबाई वाज नेम्ड, बताओ साईबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम, साईबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम बताओ। शाहजी, शाहू, संभाजी या बाजीराव, जल्दी बताओ। साईबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम बताओ, जल्दी बताओ। साईबाई से शिवाजी के पुत्र का नाम बताओ। चलो, देखो इसका आंसर क्या आता है, संभाजी, ठीक है। संभाजी भोंसले छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे, ये भी छत्रपति रहे हैं, ठीक है। इनका जन्म 1657 में हुआ था, कहाँ पर, पुरंदर के किले में, और 1689 में ये तुलाकपुर में इनके मतलब ये जीवन त्याग गए थे। संभाजी भोंसले इनका क्या था, नाम था, हाँ बता तो रहा हूँ, संभाजी भोंसले इनका क्या था, नाम था, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सही, संभाजी भोंसले क्या था, ठीक है। ये सबसे बड़े पुत्र थे छत्रपति शिवाजी महाराज के और फाउंडर ऑफ मराठा, मराठाओं के क्या थे, फाउंडर थे, संस्थापक थे। चलिए, कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान के अनुच्छेद, कौन से अनुच्छेद के तहत सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा है, जल्दी बताओ। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा, 102, 100, 103 या 101, जल्दी बताओ जरा। चलो, देखो इसका आंसर क्या आता है, 100 इसका आंसर आता है। आर्टिकल 100 के तहत ये चीज है, ठीक है। चलिए, मतलब सदन का, मतलब मैं बता दूं आपको, सदन का 1/10 हिस्सा तो मतलब होना ही चाहिए, चाहे लोकसभा है, राज्यसभा है या फिर विधानसभा है। अगर 1/10 मतलब कुल सदस्यता के 1/10 लोग भी अगर वहाँ पर मौजूद नहीं हैं तो सदस्य वो होगा ही नहीं, मतलब वो मीटिंग ही नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन्होंने तय कर रखा है कि 1/10 तो सदस्य होने ही चाहिए जब सदन के अंदर सत्र चल रहा है। कलकत्ता बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कलकत्ता बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बना था, कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बना था, जल्दी बताओ। कलकत्ता ब्रिटिश इंडिया की राजधानी कब बना था, जल्दी बताओ। चलो, इसका आंसर क्या है, 1772, ठीक है, 1772। और 57 में तो आप सब जानते हैं इन्होंने कंट्रोल कर लिया था इसके ऊपर। चलिए, हु फाउंडेड द, 1772, ठीक है, 1773 को तो रेगुलेटिंग एक्ट भी आ गया था। चलिए, हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की, जल्दी बताओ। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की, जल्दी बताओ। चलो, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने की, जल्दी बताओ। चलो, इसका क्या आंसर बनता है, गोपाल कृष्ण गोखले इसका आंसर बनता है, ठीक है। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द दियोदर ट्रॉफी एसोसिएटेड, देखो हाँ, आप लोग में से कोई कह रहा है कि मुझे क्वेश्चन पूछना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप मेरा नाम लिख के सर्च करोगे तो आप मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसमें नो प्रॉब्लम। मैं पर्सनली आपको टेलीग्राम पे इस चीज़ के आंसर दूंगा। चलिए, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, जल्दी बताओ। चलो, इसका क्या आंसर बनता है? क्रिकेट इसका आंसर बनता है। ठीक है, क्या इसका आंसर बनता है? क्रिकेट इसका आंसर बनता है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। स्वतंत्रता पूर्व भारत में अंग्रेजों ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया था, लेकिन कब स्थानांतरित किया था जल्दी बताओ ज़रा। चलो, कब स्थानांतरित किया था ये बताइए। चलिए, बिल्कुल सही, ए आंसर बनता है। 1911 को स्थानांतरित किया था। तुमको पता है, कोर्ट को भी स्थानांतरित किया था, न्यायालय को भी किया था। चलिए, छत्तीसगढ़ में कौन से झरने को भारत के नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है? छत्तीसगढ़ में कौन से झरने को भारत में नियाग्रा जलप्रपात के रूप में भी जाना जाता है? जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या है? चित्रकूट। ठीक है, क्या इसका आंसर है? चित्रकूट इसका आंसर बनता है। चलो, नेहरू लियाकत पैक्ट वॉज साइंड। नेहरू लियाकत समझौते पर हस्ताक्षर थे। नेहरू लियाकत समझौता किन लोगों के बीच में हुआ था? जल्दी बताओ जरा। चलो, देखो, ये 1950 में हुआ था। मतलब जो लोग भी रिफ्यूजी बन के भारत आए या भारत के पाकिस्तान गए तो उनकी जो भी चीज़ें लूटी गई वो उनको वापस मिलेगी, ये सब चीज़ों का ये समझौता था। ठीक है, तो साथियों मैं आपको बोलूँगा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और इसके अलावा आपका SSC GD का लखनऊ बैच ऑफलाइन लॉन्च किया गया है। लखनऊ में 50% लेस के साथ आपको ये दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। और आपको इसमें मतलब 50% लेस में आपको 3,999 रुपये देकर आपको ये सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए साथियों, इसी के साथ अंत करते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।